वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे विकास लाइफ के स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो विकास लाइफ के स्टॉक की बात करें तो 5.20 पे क्लोजिंग दे चुका था। विकास लाइफ के स्टॉक 5 पैसे की गिरावट भी देखने को मिले थे, तकरीबन 1% तक गिरावट देखने को मिले विकास लाइफ के स्टॉक के अंदर आज के दिन में। यानी कि देख सकते कि विकास लाइफ के स्टॉक की बात करें तो आज फ्लैट ओपन हुआ था। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसी के साथ ओपन हो चुका था स्टॉक। ओपन होता ओके यहाँ पे आप देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग की ऊपर यहाँ पे चला गया था। फिर यहाँ पे देख सकते सुबह के बाद यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया और वहीं से गिरावट देखने को मिली थी। तो मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिले 642 करोड़ की है। पी रेशियो बहुत ही बढ़िया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो बहुत ही चौपी मूवमेंट देखने को मिल सकती है विकास लाइफ के, क्योंकि कोई कुछ मूवमेंट ही नहीं देखने को मिली अच्छी खासी। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो विकास लाइफ के स्टॉक के अंदर तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं आज के दिन का जो वॉल्यूम है 89 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 463 लाख की है। तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि डिलीवरी वाइज पोजीशन अवेलेबल नहीं है विकास लाइफ के स्टॉक के लिए। तो देख सकते कि चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे विकास लाइफ के स्टॉक के। तो विकास लाइफ के स्टॉक की बात हमने पहले कभी बहुत बार की है कि तकरीबन जो ब्लू कलर का लाइन है 200 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे में उसी का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है विकास लाइफ के स्टॉक। पिछले 2 महीनों से देख सकते कि विकास लाइफ के स्टॉक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टेबल है। ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो और तेज़ी के साथ गिरावट हो सकती है। बाउंस बैक होता है तो देख सकते कि तकरीबन 5.50 लेवल को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट विकास लाइफ के स्टॉक के लिए।